हो या स्पाइन में कहीं भी नस दब रही हो, तो चिकित्सा के साथ साथ कुछ मर्म बिंदु बताए गए हैं जिनको आजकल एक्यूप्रेशर भी कहते हैं। हमारे सुश्रुत के समय से, प्राचीन काल के समय से बहुत सारे ऐसे बिंदु जहां पे पूरे शरीर की कहते हैं ताकत रहती है या नसों की ताकत रहती है, उसको मर्म स्थान कहा गया है। ठीक है, तो इनके लिए बताया गया कि हमारे शरीर में इतने मर्म स्थान होते हैं, इनके ये काम होते हैं। तो हर चीज के अलग अलग होते हैं, जैसे आपको नस की बीमारी है, नस दबी है ना, या स्पेस कम है आपका, है ना, तो रीढ़ की हड्डी में, उसके लिए कुछ मर्म स्थान बताए गए हैं। सबसे पहला है हमारा मणिबद्ध मर्म, ठीक है, इसको 17 से 18 बार दबाना है, दिन में जब मौका लगे तब दबाना है। इसका मेन काम क्या है, जो नस आपकी कंप्रेस हो रही है वहां पर प्रेशर क्या करेगी, कम करेगी, ठीक है, जिससे हमें चलने फिरने उठने बैठने में हमें जो दिक्कत आती है। 17 से 18 बार ऐसे दबाना है जैसे बटन की तरह है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आता है हमारा क्षिप्र मर्म, इसको भी 17 से 18 बार दबाना है, और दोनों अगर साथ दबा लेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 17 से 18 बार। एक तीसरा आता है हमारा कूपर मर्म, एक अंगुल नीचे, ये भी 17 से 18 बार दबाना है, देखो करंट भी आ रहा होगा, ठीक है, 17 से 18 बार दबाना है, दिन में 2 बार 3 बार। ये एक तरह का ऐसा हो गया जैसे एक आदमी होता है ना, उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ अच्छी चीज चला देते हैं, तो ऐसे ही इसके लिए है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी बॉडी में आती है, ठीक है। और एक उठाओ, ये गुल्फ मर्म होता है, गुल्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के लिए, सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट है गुल्फ मर्म, ठीक है, साइटिका के लिए, कमर में नस दबने के लिए सबसे अच्छा मर्म स्थान है, इसको भी 17 से 18 बार दबाना है, ठीक है। एक आता है अंगुष्ठ मर्म, ये छोटी उंगली ये, इसको दबाना है 17 से 18 बार, ये भी बहुत अच्छा काम करती है साइटिका में, नर्व कंप्रेशन में बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ एक ये आता है मणिबद्ध के साथ साथ ऊपर कूर्चर सार मर्म, कूर्च सार मर्म, इसको 17 से 18 बार दबाना है, ठीक है। सारे मर्म हमारे हाथों में, पैरों में, पूरी बॉडी में, और इसको हम खुद भी दबा सकते हैं, अगर हम किसी की हेल्प से दबाते हैं तो और अच्छा बहुत है, अच्छी बात ठीक है। है, ठीक ओके, ठीक ठीक है, ओके।